मोदी कटी पतंग है, मोदी कटी पतंग है, पता उसे के रास्ता अभी तो थोड़ा तंग है। ये जो तीन एंड्स है ना, ये हमारी सरकार चलाएंगे, ऐसा लग रहा है। एंड फॉर नरेंद्र मोदी, एंड फॉर नीतीश जी, एंड फॉर नायडू जी। दिस इज द बिग लेसन दैट मोदी जी, जो परिणाम आए हैं मेरी राय से उनका मतलब ये है, मोदी की हार और मतदाता की जीत। और मुझे याद है कि जब इलेक्शन से पहले लोग कहते थे टीना फैक्टर, देर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो वो टीना टीफा बन गया, देर इज अ फेडरल ऑल्टरनेटिव। आप देख रहे हो देर इज अ फेडरल ऑल्टरनेटिव। मोदी कटी पतंग है, मोदी कटी पतंग है, पता उसे के रास्ता अभी तो थोड़ा तंग है। ये जो तीन एंड्स है ना, ये हमारी सरकार चलाएंगे, ऐसा लग रहा है। एंड फॉर नरेंद्र मोदी, एंड फॉर नीतीश जी, एंड फॉर नायडू जी। लेकिन अगर 400 पार की बात ये करते हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भैया मेरी लग्जरी बनी रहे, तो लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। वो जो लग्जरी टैक्स है वो 28% होता है, तो 400 पे 28% लगा दो तो 288 बन जाते हैं, बन गए ना। अब मोदी जी तो कहते थे और चुनाव में कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपका तो सिंगल इंजन ही नहीं रहा, आप डबल इंजन की कैसे बात कर सकते हैं जब इंजन ही सिंगल नहीं रहा। This is why I say this is a defining moment in the history of electoral politics in India. And it is my prediction, and you mark it, henceforth in every Lok Sabha election in this country, there will be a coalition government. India as a republic is a coalition. If the center thinks that it can run a government on its own free will without taking into confidence the states and the federating units of this country, it's the end of that era. For the simple reason, the vast population of this country, 140 crore logon ko aap Delhi se unki aakankshaen pura nahi kar sakte. Isiliye main kehta hu ki the Tina has turned into a Tifa. There is a federal alternative. And the federal alternative is reflected in the India Alliance. Because for the first time in the history of electoral politics in this country, a national party, and I must give credit to that national party, decided to work with the federal units of this country. And you see the result. इस देश में ऐसा लगता था पिछले 10 साल में कि मोदी जी जो कहते हैं वो होगा, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया कि मोदी जी आप जो भी कहते रहें, हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं करोगे,
तो आपकी आप जीत नहीं पाओगे. दिस इज द बिग लेसन दैट मोदी जी